हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो खूंखार गेमिंग। तो गाइस होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जो है मेनली बात करने वाले हैं हमारे वर्जन रैंगल 2.0 के बारे में। तो हमारे रैंगल 2.0 के इसकी कुछ सीक्रेट लोकेशंस के बारे में आज हम रिसर्च करते हैं एंड हम जानते हैं हमारा मैप कैसा होने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारी जो सीक्रेट लोकेशन है उसका नाम है हमारे यहाँ पे फेरी पियर। तो फेरी पियर में देखिए आप यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी सिमिलर लोकेशंस आपको जो है जहाँ पे ऐसे वेयर हाउसेज होंगे, जैसे कि हमारा क्वेरी हो गया, शेल्टर हो गया एंड और भी मतलब लोकेशंस हो गई, तो वहाँ पे आपको सेम लोकेशन देखने को मिल जाएंगी। खैर मैंने वो वीडियो में इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि वो दिखाने का मकसद नहीं है क्योंकि आप जो है मतलब बोर हो जाओगे बार बार एक ही चीज़ को देख के। खैर ये वेयर हाउस के बारे में अगर बात करें तो वेयर हाउस में बंकर है एंड बंकर में आपको मतलब भाई अलग ही मतलब कवर मिलने वाला है एंड अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया है। सेकंड लोकेशन के बारे में बात करते हैं जो है हमारी कमेश की। तो कमेश की में आप देख सकते हैं हमारे कंटेनर पे एक मतलब कपड़ा रख दिया गया है मतलब कवरिंग एंड यहाँ पे अगर हम अंदर चलते हैं तो अंदर हमें जो है यहाँ पे देखिए एक अंडरग्राउंड जगह देखने को मिल जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैप जो है ना मतलब भाई कैंपर्स के लिए ही बनाया गया है क्योंकि इसमें कैंपिंग जो है ना अलग ही लेवल की होने वाली है भाई। मतलब रैंक पुशिंग तो इस मैप में इतनी गजब की होगी क्या ही बताएं। खैर यहाँ पे एक बॉट आ गया, इसको मार देते हैं। एंड हाँ गाइस ऐसा एक किल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हमने बॉट को मारा वैसे दिखा ना, वो ऐसे मतलब किल इफेक्ट दिखने वाला है। खैर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं बीटा की तो उसमें बताते हैं आपको क्या क्या आने वाला है। नेक्स्ट लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो है शेल्टर, तो शेल्टर हमारा जो है मॉडिफाइड कर दिया गया है। तो शेल्टर में हम चलते हैं अंदर एंड अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या क्या नया आया है क्या क्या नहीं आया है। खैर ये मतलब बहुत ही बड़ी जगह है, अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करे गए हैं। ओके हम यहाँ पे आ चुके हैं। अरे कहाँ तक भाई कहाँ जाएगा रास्ता, इतना लंबा रास्ता है यार ये। ओके तो हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। तो एक सेकेंड यार बॉट दिखा शायद, हाँ ये रहा। ओके बॉट को हमने मार दिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मतलब भाई जैसे कि मैंने बताया था इरेंगल 2.0 कवरिंग मैप होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कवर इतना मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है ना भाई, भर भर के पेटियों में कवर कि आप सोच नहीं सकते हो। खैर यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो देख सकते हैं आप आगे मतलब वही चीज़ें हैं, पेटी वगैरह रखी हुई हैं एंड मतलब भाई कवर तो मतलब क्या ही गजब का मिलने वाला है। चलिए लास्ट लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नाम है हॉल ऑफ फेम। अभी हॉल ऑफ फेम जो है हमारी लोकेशन पबजी से रिलेटेड है, जिसमें कि हमें पबजी को जो है जितना भी आज तक फेम मिला है वो सब इस मतलब बिल्डिंग में दिखाया जाएगा। खैर ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको क्या लगता है मुझे बताना। ओके तो हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। तो अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप सीक्रेट लोकेशन है, यानी कि सीक्रेट लोकेशन को नहीं कहूँगा मैं, इसको सीक्रेट थिंग कहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ईस्टर एग्स हैं शायद से इरेंगल 2.0, यहाँ पे देख सकते हैं आप इरेंगल 2.0 हमें दिखाई दे रहा है। इरेंगल 2.0 मतलब पूरा मैप दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसके रिगार्डिंग ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। खैर ऊपर चलते हैं तो ऊपर यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे फोटोज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि हमारे पबजी के जो वॉलपेपर्स हैं, हमारे पबजी के जो भी आज तक मोड्स आए हैं, जो भी आज तक कुछ भी आया है उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे जो है ये फ़ोटोज़ लगा दी गई हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम है हॉल ऑफ फेम, तो ये हमारे जो है रिगार्डिंग है हमारे पबजी के जो भी आया है। खैर गाइस ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।